ये अख्तिलाफात अख्तिलाफात की हद तक ही रहे, किसी की जान ना ले, कोई जख्मी ना हो। और यही मेरा पैगाम है कि अमन अमन कायम कीजिए, मोहब्बतें बांटिए। उमर शरीफ साहब, जिनका इंतकाल चंद रोज़ कबल ही जर्मनी में हुआ, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव वीडियो है उमर शरीफ साहब की सालगिरह की तकरीब की। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं उमर शरीफ साहब अपनी सालगिरह के मौका पर। और चंद साल कबल की ही ये वीडियो है, यकीनन काफ़ी बड़ा नाम उमर शरीफ साहब जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी लोगों को अपना गर्विदा बनाया अपने फ़न से। तो सालगिरह की तकरीब के मौका पर उमर शरीफ साहब किन ख्यालात का इजहार कर रहे थे, इस वीडियो के ज़रिए आपको वो दिखाना है। तो आइए आपको दिखाएं कि उमर शरीफ साहब अपनी सालगिरह के मौका पर क्या कह रहे हैं। आपको सालगिरह का दिन बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आप तशरीफ़ लाएँ, और आप बिलीव करें, आपने याद दिला दी मुझे इस तरह। मुझे नहीं पता था कि 12:03 पर आप आ जाएंगे और ये सारा अरेंजमेंट करेंगे, और इतनी खूबसूरती से और इतने खलूस से आपने ये सारा किया है। मैं समझता हूँ कि मैं भी आपके चैनल का आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज के दिन किस किस्म के तहाइफ जो है बच्चों की तरफ से, किस तरह के तहाइफ, और भाभी ने क्या तोहफा दिया? आप पहले एक वो हैं जिन्होंने मुझे यानी भी मुबारकबाद पेश की है। अभी तो ये होना था, सारा होगा इसके बाद, लेकिन आप क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो जो मीडिया की एक चलाकी होती है ना, वो आपने कर ली। ये इख्तिलाफात इख्तिलाफात की हद तक ही रहें, किसी की जान ना ले, कोई ज़ख्मी ना हो। और यही मेरा पैगाम है कि अमन अमन कायम कीजिए, मोहब्बतें बांटिए।